भागीदार है महिलाएं। हाँ जी बिल्कुल, जितने आप जेंट्स देखोगे उससे भी ज्यादा आपको महिलाएं दिखाई देंगी। पढ़ाई कम करी आंदोलन में भाग ज्यादा लिया है, दोनों बराबर चल रहे थे, एक बार पढ़ाई का एक बार आंदोलन का। कायदा के लेने के सर जी प्लस नू था बॉर्डर पे रंदे और फिर जानते पेपर के टाइम पे कैरी करते, और अभी मेरे 15 का सेट एग्जाम शुरू है, प्लस टू क्लास में हूँ मैं। सारे भाई ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार दरमर भाई देसी देख बिना ब्रेक। किसाना का महाकुंभ और हम कह कर हाँ भाई याना शाना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बुढ़ा ठेरागत पड़ोसी मित्र प्यारा सारे ने मिलकर यह जंग जीती है। तो भाई संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता रवि आजाद अपने विद फैमिली और भाई और भी, क्योंकि यो जो किसान परिवार है बड़ा परिवार हो गया, तो हम देख सको मात्र शक्ति महिलाओं की भागीदारी से भी इनकार को नहीं किया जा सकता और इनकी ताकत में भी अजमा सांगे। जय जवान जय जवान जय जवान। तो भाई तुम देख सको किस तरिया जो है और तंबू ला रखे थे, चाहे वो टिकरी बॉर्डर की बात करा, गाजीपुर बॉर्डर की बात करा, सिंघू बॉर्डर की बात करा। तो रवि भाई पूरा कुणबा समेत पहुंच लिया आप तो है? बिल्कुल कुणबा समेत पूछ रहे। और सबसे बड़ी जो बात है, हम पहले दिन तक एक बात कहा करते कि जीत हमारी तय हो चुकी है, केवल घोषणा बाकी है। और दूसरी बात हम हमेशा कहा करें कि जिस आंदोलन में माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल जाए वो आंदोलन जीत लिया जाता है, केवल घोषणा बाकी होती है। तो हमारी इन माताओं बहनों को सैल्यूट है और इनका जो योगदान है वो आने वाली पीढ़ियां भुला नहीं सकती। इनके योगदान को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और आने वाली पीढ़ियां सैल्यूट करेंगी इन मेरी माताओं बहनों के योगदान को। ये उड्डा खाप का जो है सांगी गांव की हमारी क्रांतिकारी आंदोलनकारी माताएं बहने मेरे भाई आपको बतेरा मौका दे दिया। हाँ बिल्कुल। तो मंजू, पूरा नाम आपका? मंजू आजाद। मंजू आजाद जी। तो मंजू जी पूरे दलबल के साथ आप यहाँ आपने जो है ना 380 दिन बिताए हैं, तो किस तरह जो है ना किस तरह की चुनौती, क्योंकि चलो आदमी तो किसी तरह मैनेज कर ले है लेकिन महिलाओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाए इस तरह के आंदोलन में भाग लेना, किस तरह की दिक्कत झेलनी पड़ी? बहुत दिक्कत है महिलाओं के ऊपर, ये एक परिवार का भी बहुत बड़ा रोल होता है, परिवार को संभालना, घर में बड़े बुजुर्ग संभालने, बच्चे संभालने, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये आंदोलन था। तो मैं तो सभी मातृशक्ति को बहुत बहुत प्रणाम करूंगी कि उन्होंने अपनी सब कुछ छोड़ के इस आंदोलन को अपना योगदान दिया है, जिसकी वजह से आज हम ये लड़ाई लड़ चुके हैं। हाँ जी। जिस तरह मैं ले जो आप औरता अपना तंबू वगैरह सामान वगैरह लेकर आए हो, आपकी जानकारी के अनुसार कितनी महिलाएं आपकी जानकारी में आई इस टिकरी बॉर्डर की? मैं बात बराबर की भागीदार है महिलाएं। हाँ जी बिल्कुल, जितने आप जेंट्स देखोगे उससे भी ज्यादा आपको महिलाएं दिखाई देंगी, बराबर की हकदार है, बराबर की भागीदार। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं और हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। तो भाई वो काम है मात्र शक्ति का। तो ताई मारे दर्शकों ने राम राम कर दिया, पहले राम राम जी। तो ताई घर भी संभालना था और आड़े बॉर्डर पर भी संभालना था, दोनों जगह चुकर मैनेज कर, पोता भी संभालना था है, और बॉर्डर भी संभालना था। भाई ये खुशी है हमारा ऑफिस मिल गया, मैं तो ये ताई जब मैं बात करूं तो लगभग 700 किसान शहादत भी होगी किसाना की। तो बहुत से ऐसे भाई, बहुत से ऐसे पति, बहुत से ऐसे पिता जो घर वापिस नहीं हो पाए, उनके बारे में क्या कहना चाहोगी? बस क्या कहना चाहेंगे भाई, क्योंकि उनकी बदौलत जो है ये आजादी मिली है। हाँ आजादी मिली है भाई, किसान को जो आजादी मिली है वो जो किसान जो शहीद हो गए उन शहीद किसानों की बदौलत ये आजादी की जंग जीती गई है। तो मतलब जो जिन परिवारों से थे उन परिवारों के लिए क्या कहना चाहोगे? उनको क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल 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 नहीं, कोई बात नहीं बहन जी। जो जो परिवार ऐसे थे जिनका कोई इस आंदोलन के अंदर किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई इसमें शहीद हो गया आंदोलन में, उन परिवारों के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैंने देखो एक बार पहले भी बताया, सरकार से मेरी यही दरख्वास्त है कि जिस जिन परिवारों ने अपने बेटे खोए हैं, अपने घर का कोई भी इंसान खोया है, तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहूंगी कि कम से कम उनके घर में एक सरकारी नौकरी दी जाए और उनके घर को कुछ आर्थिक मदद दी जाए, और आने वाले जितने भी प्रोग्राम होते हैं जो सामाजिक होते हैं उनमें सबसे पहले उनके परिवार को इम्पोर्टेंस दी जाए, ताकि आने वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को और आने वाले टाइम में उनका पता चले भी इन इन परिवारों ने अपने लाल इन इन मुद्दों पे खोए गए हैं। तो मेरे तो सरकार से यही दरख्वास्त है। आजादी की जंग में भी बात करा तो भाई लाखों क्रांतिकारी थे जिनकी शहादत के बाद जो है देश ने आजादी मिली थी, तो यू भी एक तरह से आजादी का बिगुल था। और मेरे सामने तुम देख सको किस तरह सपला का यू टोल
रोड का जो यू टोल है, इसी तरह से देश यानी के पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी टोल हैं उन टोल पे फूलों के साथ भव्य स्वागत किसानों का कड़ा जान लग रहा है। बिल्कुल ये देखो भाई, जीत का ये जश्न और विक्ट्री का ये निशान, ये किसान की जीत का ये जो जुनून है। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिटिया का जोश देखो, क्या नाम बेटे? मेरा नाम पूर्णिमा आजाद है और मैं कैथल से हूँ। कैथल से हूँ, हाँ, बहुत बढ़िया बेटे। तो फिर जंग जीत का आगे हुए? बिल्कुल। और पढ़ाई कम करी, आंदोलन में भाग ज्यादा लिया है? दोनों बराबर चल रहे थे, एक बार पढ़ाई का एक बार आंदोलन का। कायदा के लेके जा रही थी प्लस मैं नू था बॉर्डर पे रंदे और फिर जानते पेपर के टाइम पे तैयारी करते, और अभी मेरे 15 सेट एग्जाम शुरू है, प्लस टू क्लास में हूँ मैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये किसान की बेटी है और हम तो कहा कि यह जो बिटिया है ये बिटिया है, बड़ी होकर अफसर बिटिया बने तो बहुत बड़ी बात है। क्या पूछ रहे थे आप, एक सवाल कर रहे थे? मैं ये था, बस ताड़ा टोल के ऊपर सवेरे सवेरे एक दुर्घटना घट गई, तो उड़े भी जो है ना काफी किसानों को चोट आई है। पीछे तो एक ट्रक ने जो है ना वो ट्राली में ठोक दिया, तो उसमें किसान ने चोट आई। बहुत आपने देखा कि टोल हमारे बहुत मजबूत स्तंभ है और बस्ताड़ा टोल पे भी बहुत तैयारियां की गई थी। हादसा हुआ उसके लिए हम अपना दुख भी प्रकट करते हैं और उसकी पूरी जानकारी भी लेंगे, और ये दुखद है, बहुत दुखद है। और आपके माध्यम से मैं तो ये कहना चाहूंगा आग भाई, जिसने हमारा जिस तरह से साथ दिया सबका धन्यवाद, और कोई गलती हुई हो, किसी को तकलीफ हुई हो तो सबसे हम माफी मांगते हैं। ये पंजाब के साथी हैं, इनसे पूछेंगे। हाँ जी विनय, सत श्री अकाल जी। हरियाणा और पंजाब का जो ये मेल मिलाप था, किसा महसूस कर? बहुत अच्छा महसूस करा, असि रल के जंग जीती है, ते हुण मोदी सानू दोबारे तंग नहीं करदे, जे तंग करूगा ते सानू फेर होना पैणा। हरियाणा पंजाब भाईचारा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो भाई देख सको तो हम किस तरह पंजाब और हरियाणा का जो मिला जुला जो प्रयास था ये रंग लेकर आया, और महाकुंभ है जो किसानों का, उसके ये दृश्य 11 दिसंबर 2021 ये ऐतिहासिक तारीख में तब्दील हो गई है। और लगभग हर टोल के ऊपर मैं बात करूँ तो इसे तरिया जश्न का जो माहौल है तो हम देखोगे। तो ये तस्वीर दुर्लभ तस्वीर है, तो हम देखते रहो, जुड़े रहो संसार क्रांति के गले, और वीडियो ना जिला के शेयर कर दो।